ओम शांति। 10 मई 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। प्रश्न, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को? बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। वह तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो, हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। ओम शांति।